दाल में काला नहीं काली ही ये दाल है और नशेड़ी गजेड़ियों से पूछ रही एनसीबी सवाल है। नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्योम गौतम। के रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के सबसे महंगे वकील, जिसने कभी सलमान खान को जमानत दिलाई थी, जिसने कभी संजय दत्त को बचाने का काम किया था, उसी सतीश माने शिंदे को हायर किया। हालांकि इस पर सवाल उठे थे और यह पूछा गया था कि जिस रिया चक्रवर्ती का सालाना रिटर्न 10 लाख 15 लाख 18 लाख तक का है, वो रिया चक्रवर्ती जो सतीश माने शिंदे एक अपीयरेंस की एक जो पैरवी है उसकी फीस 20 लाख रुपए लेता है, उसको कैसे हायर कर रही है, उसको कैसे खरीद पा रही है। बाद में इस पर सतीश माने शिंदे ने एक तरीके से सफाई दी थी और ये कहा था कि मैं अपने क्लाइंट से क्या लेता हूँ, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन सबको पता चल गया कि ये जो सतीश माने शिंदे की सेवाएं मिल रही हैं रिया चक्रवर्ती को, ये दरअसल स्पॉन्सर्ड है और इसको स्पॉन्सर करने वाला वही व्यक्ति है जो दिशा सालियान की पार्टी में था या फिर इस पूरे मामले के पीछे है और जिसको लोग प्यार से बेबी पेंगुइन भी कहते हैं, संजय राउत का जो सरगना है, आका है। और ऐसे व्यक्ति के कहने पर ही सतीश माने शिंदे अपनी सेवाएं दे रहा है और सतीश माने शिंदे ने एक बार फिर से बयान देने की कोशिश की है। ये बताती है कि सतीश माने शिंदे को लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती को बचा पाना अब उसके बस की बात नहीं है। उसने विकास सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उनके एक इंटरव्यू का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने जब एक एम्स के डॉक्टर से बात की और उसे फोटोग्राफ भेजे थे सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इस फोटो को देखने के बाद 200% ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो मौत है ये आत्महत्या नहीं बल्कि गला दबाकर की गई हत्या है। इसको लेकर सतीश माने शिंदे ने कहा है कि इस तरीके के बयान अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एम्स के पैनल में शामिल है, जो बोर्ड जांच कर रहा है पोस्टमार्टम की जो कूपर अस्पताल ने किया था, तो फिर आप पहले से समझ सकते हैं कि उसकी रिपोर्ट किस तरीके की आएगी और ये रिपोर्ट जानबूझकर बिहार चुनावों को ध्यान में रखकर एक तरीके से मैनिपुलेट की जानी है जिससे बिहार चुनावों में फायदा मिल सके। इससे पहले तेजस्वी पांडे पर सवाल उठाए थे और उसका जिक्र भी सतीश माने शिंदे ने अपने बयान में किया और ये कहा कि हमने गुप्तेश्वर पांडे को कहा था कि वो राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से BRS लिया है उसके बाद ये लगभग तय है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे। यानी कि सतीश माने शिंदे यहाँ पर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो वकील अपने क्लाइंट को बचा नहीं पा रहा है, अब वो दूसरे तरीके के आरोप लगाकर जो सुशांत सिंह राजपूत की जांच चल रही है उसके मामले की, उसको भटकाने का या फिर उस जांच पर एक तरीके से लीपापोती करने का, पक्षपात करने का आरोप लगाता हुआ दिख रहा है। ये वही सतीश माने शिंदे है जो रिया चक्रवर्ती को इतनी ज़्यादा पैरवी करने के बावजूद उसको कई चैनलों पर PR एजेंसी की तरह से बिठाकर उसके पक्ष में हवा बनाने की नाकाम कोशिश करने के बावजूद बचा नहीं पाया, रिया चक्रवर्ती को जमानत तक नहीं दिला पाया। वही सतीश माने शिंदे जिसने सलमान खान को आराम से जमानत दिला दी थी, जिसने संजय दत्त को जमानत दिला दी थी, लेकिन अब इस मामले में सतीश माने शिंदे को बार बार हार का मुँह देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लगता है कि वो पूरी तरीके से बौखला चुका है। हालांकि सतीश माने शिंदे पालघर साधुओं वाले केस में भी वकालत कर रहा है पुलिस की तरफ से, आप समझ सकते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और किस वजह से रिया के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने सतीश माने शिंदे की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। लेकिन कोई भी वकील हो, कितना भी पैसा हो, अब ऐसा लगभग निश्चित समझ सकते हैं आप कि जितने भी नशेड़ी गंजेड़ी अफीमसी चर्ची हैं इस बॉलीवुड के अंदर, उन सभी का जो समय है बहुत ज़्यादा खराब आ चुका है और इन लोगों के जेल में जाने का समय लगभग निश्चित लग रहा है। चूंकि जिस तरीके से आज श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण के साथ पूछताछ हो रही है, रणवीर सिंह जो कि दीपिका का पति है वो भी साथ में आया था लेकिन उसको अंदर नहीं घुसने दिया गया, जबकि उसने पहले कहा था कि मेरी पत्नी घबरा जाती है, इसी तरीके से बाकी लोग घबराए हुए हैं। जावेद अख्तर को लगता है कि उसकी बेटी जोया अख्तर का नाम भी करण जौहर की पार्टी में होने की वजह से इस मामले में आएगा, इसलिए जावेद अख्तर भी इस पर एक कमेंट करता है। वो कहता है कि अगर इस पार्टी में कुछ किसान भी रहे होते तो शायद जो मीडिया है वो किसानों पर ध्यान देता, लेकिन यहाँ तो बॉलीवुड के पीछे पूरी तरीके से मीडिया पड़ा हुआ है, बॉलीवुड को बदनाम करने में लगा हुआ है। ये उसी तरीके की बात है जैसी कि संजय राउत ने कही थी और उसने भी ये कहा था कि बॉलीवुड को बदनाम करके बॉलीवुड को ख़त्म करने की साजिश चल रही है।
है। और जिस तरीके से आज तीन तीन बड़ी अभिनेत्रियां बॉलीवुड की बैठी हुई है एनसीबी के साथ में, एनसीबी के सवालों का जवाब दे रही हैं, सवालों की बौछार हो रही है, आप कह सकते हैं कि कॉफी विद करण के बाद अब कॉफी विद एनसीबी चल रहा है। आज एनसीबी ड्रग्स मामले में जिस तरीके से दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के साथ पूछताछ कर रही है, उसके बाद ये तीनों अभिनेत्रियां ही नहीं बल्कि इनके साथी, इनके जानने वाले, इनके अपने और इनके जो हितैषी लोग हैं उन सभी के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब उनका भी नंबर आने वाला है, क्योंकि अब तक रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से तमाम 25 नाम खोले थे जिसमें से 5 बड़े नाम थे, रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ हो चुकी है और सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है, उसके बाद जया साकी चैट से दीपिका का भी नाम सामने आता है और उसके बाद में और भी तमाम धीरे धीरे करके नाम सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ करण जौहर के ऊपर पहले से ही एनसीबी का अब जो एक एंगल है वो शुरू हो चुका है, करण जौहर भी बौखलाया हुआ है, जावेद अख्तर भी बौखलाया हुआ है, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती का वकील सतीश माने शिंदे भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं वो अब रिया को बचा नहीं पाएगा। इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है और अभी तक जो सवाल जवाब हुए हैं उसमें चाहे श्रद्धा कपूर हो, चाहे सारा अली खान हो या फिर दीपिका पादुकोण हो, इन तीनों ने ही अलग अलग ये कहा है कि वो तीनों ड्रग्स नहीं लेती हैं और इसके पीछे उन्होंने जो वजह बताई है आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। दरअसल दीपिका ने ये कहा है कि वो जिस हसीस की बात कर रही है वो ड्रग्स नहीं है। उसी तरीके से जो सारा अली खान है उसने भी कुछ कुछ ऐसा ही कहा है और उसने कहा है कि मैं तो केवल माल फूंकती थी और माल फूंकना ड्रग्स में नहीं आता है। इसी तरीके से श्रद्धा कपूर ये कहती नजर आ रही है कि उसने तो सीबीडी ऑयल की बात की है, सीबीडी ऑयल खुलेआम मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है और सीबीडी ऑयल तो एक हर्ब का एक तरीके से एसेंस होता है या आप कह सकते हैं कि गांजे का अर्क होता है, इस वजह से सीबीडी ऑयल को ड्रग्स नहीं माना जा सकता। यानी कि अगर इन तीनों की बात मानी जाए या उससे पहले जिस तरीके की बातें आई थी, सतीश मानसिंदे ने भी यही कहा था कि सीबीडी ऑयल तो गांजे का अर्क होता है, गांजा एक वनस्पति है यानी कि हर्ब है, इसलिए हर्ब तो दवा के काम आता है, इन सभी चीज़ों को ड्रग्स नहीं माना चाहिए जाना चाहिए। लेकिन जब आम बोलचाल की भाषा में इन तीनों का हम मतलब निकालेंगे तो निश्चित तौर पर ये नशीले पदार्थ हैं और नारकोटिक्स का जो एक्ट है उसके तहत प्रतिबंधित हैं। दीपिका पादुकोण जिस हसीस की बात कर रही है उसको आम भाषा में चरस या फिर सुल्फा कहते हैं, उसी को माल कहा जाता है आम बॉलीवुड की या जो आम वामपंथियों की भाषा में उसको माल फूंकना कहते हैं। तो इसी वजह से दीपिका को ये लगता है कि माल फूंकना चरस पीना नहीं है। अगर आप चरस पीने की बात कहेंगे तो लोग आपको नशेड़ी बताएंगे, लेकिन माल फूंकने की बात कहेंगे तो आपको मॉडर्न बताएंगे। ऐसा कुछ कुछ दीपिका कहने की कोशिश कर रही है, वही बात सारा अली खान कहने की कोशिश कर रही है और वो भी ये कहती नज़र आ रही है कि वो तो सिर्फ माल फूंकती थी और वीड लेना यानी कि गांजे की सिगरेट पीना या फिर चरस पीना उनकी नज़रिए में किसी तरीके से ड्रग्स का सेवन नहीं है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए श्रद्धा कपूर की, जो कि सीबीडी ऑयल की मांग कर रही थी, सीबीडी ऑयल को लेकर तमाम भ्रांतियां लोगों में फैलाई जा चुकी है और ये कहा गया है कि सीबीडी ऑयल की कुछ बूंदें लेने से आदमी की थकान दूर होती है, लेकिन वास्तव में ये जो भांग का पौधा होता है, गांजे का पौधा होता है, उसके कई बाई प्रोडक्ट हैं और उन्हीं को अलग अलग तरीके से नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भांग की जो पत्तियाँ हैं उनको अगर लिया जाता है तो उसे भांग बोलते हैं और अगर उन पत्तियों को, उनके डंठल को सुखाकर धूम्रपान किया जाता है उसको गांजा बोलते हैं और अगर उसी से जो गोंद निकलता है, जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसको अगर बाद में फूका जाता है, चिलम में डालकर पिया जाता है तो इसको चरस बोलते हैं और इसी को ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो आयुर्वेदिक है, ये तो हर्ब है,
यानी कि अब ये लोग नार्कोटिक्स ब्यूरो को ये सिखाना चाहते हैं कि वास्तव में जो नशीले पदार्थ है वो उन्होंने नहीं लिए हैं, ये तो आम चीज़ें हैं जो बॉलीवुड की पार्टियों में चलती है। इस बात की गंभीरता को आप इसी बात से समझिए कि ये इतने बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस होकर ये इस बात को नहीं स्वीकार रहे हैं कि ये किसी तरीके से ड्रग्स है, जबकि सब लोगों को पता है, हर आम आदमी जानता है कि चरस, गांजा और इसी तरीके की जो दूसरी चीज़ें हैं वो निश्चित तौर पर ड्रग्स हैं, और इनका लेना सीधे तौर पर नार्कोटिक्स का जो कानून है उसके तहत अपराध है, और इसी अपराध की जो सज़ा है वो 1 साल से लेकर 20 साल तक है। उसके बावजूद ये लोग अपने बचाव में जिस तरीके के बचकाने तर्क दे रहे हैं उसी से पता चलता है कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। हालांकि तीनों ने अब तक ये कहा है कि वो ड्रग्स नहीं लेते हैं, वो नशा नहीं करते हैं, और इसी कड़ी में अब एक और आदमी कूद पड़ा है, करण जौहर, जिसके खिलाफ वारंट इश्यू होने वाला है, समन जाने वाला है, क्योंकि उसका सहयोगी क्षितिज प्रसाद NCB द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी को लेकर करण जौहर ने एक पत्र जारी किया है और ये कहने की कोशिश की है कि चाहे अनुभव चोपड़ा हो या फिर क्षितिज रवि प्रसाद, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो इन लोगों को पर्सनली नहीं जानता है, इन लोगों ने कुछ दिनों के लिए धर्मा प्रोडक्शन में काम किया है। साथ में करण जौहर ने उन तमाम चैनलों को, चाहे मेनस्ट्रीम मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों, या फिर सोशल मीडिया के, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के चैनल हों, उन सभी को एक तरीके से धमकी दी है। यानी अब ये लोग इतने बौखला चुके हैं, जो लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, जो इनकी सच्चाई को बाहर ला रहे हैं, ये उनको धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं केस करने की। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, वकीलों को खरीद कर ये किसी के भी खिलाफ केस कर देंगे और वो लोग इससे डर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा हमने रिया चक्रवर्ती के मामले में देखा। जय हिंद, जय भारत।